गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग? हैं, चलिए अच्छे हैं, आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक कॉम्पिटेटिव लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करूँगा जो बड़ा मज़ेदार है, घातांक चैप्टर से लिया गया है। तो चलिए देखते हैं आराम से। 9/4 गुना 8/27 के पावर एक्स माइनस 1 बराबर 2/3, तो एक्स का मान निकालें। चलिए तो देखते हैं कैसे इसको हम लोग सोल्व करेंगे। आपका 9/4 है, इसका पावर है एक्स गुना 8/27 का पावर है एक्स माइनस 1 बराबर है 2/3। ठीक है, अब हम लोगों को एक्स का मान निकालना है। चलिए, अब 9/4 को जब हम 4/9 लिखेंगे ना, ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, 9/4 को जब मैं 4/9 लिखूँगा, यानी अंश को हर बना दूंगा, हर को अंश बना दूंगा, तो पावर जो आपको पॉजिटिव नज़र आ रहा है प्लस एक्स, वह क्या हो जाएगा? माइनस एक्स हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि अगर किसी परिमेय संख्या में अंश को हर और हर को अंश बना दिया जाए तो उसका जो घातांक होता है ना, उसका चिन्ह चेंज कर जाता है। यदि प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ तो प्लस में एक्स है तो अभी हो जाएगा माइनस में एक्स। तो ऐसा रूल कहता है, तो मैं लिख रहा हूँ 4/9 का पावर माइनस का एक्स गुना, ये आपका रहा 8/27 का पावर एक्स माइनस 1 बराबर 2/3। ठीक है, अब 4/9 को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? 4 को तो 2 गुना 2, 9 को तो 3 गुना 3 लिख सकते हैं हम लोग, पावर में माइनस एक्स गुना का चिन्ह। 8 को तो मैं लिख सकता हूँ 2 गुना 2 गुना 2, और 27 को 3 गुना 3 गुना 3 लिख सकते हैं, पावर में एक्स माइनस 1 बराबर में 2/3। ठीक है, अब 2 दो बार है, 3 भी 2 बार है, तो 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा, 3 का भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 2/3 का स्क्वायर होगा, और स्क्वायर होगा और उसमें माइनस एक्स से गुना होगा तो माइनस 2x हो जाएगा। यहाँ 2 3 बार है, 3 भी 3 बार है, है ना, तो 2/3 का पावर 3 होगा और 3 से इसमें गुना हो जाएगा तो 3x-3 हो जाएगा बराबर 2/3। अब देखिए सब जगह का आधार 2/3 हो गया ना, तो अब हम लोगों को कुछ काम करने में बन जाएगा। चलिए, अब आप लोगों को मालूम है कि गुना में यदि आधार समान हो तो पावर जुट जाता है, जोड़ दिया जाता है। गुना में देखिए यहाँ पर फॉर्मूला है, एक्स के पावर एम गुना एक्स के पावर एन हो तो एक्स का पावर एम प्लस एन हो जाता है। ये फॉर्मूला होता है कि गुना में अगर बेस सेम हो तब पावर को जोड़ दिया जाता है। तो अभी गौर कीजिए, यहाँ का भी 2/3 बेस है, यहाँ का भी 2/3 बेस है, तो पावर को जोड़ दिया जाएगा। तो अब मैं लिखूँगा 2/3 का पावर माइनस 2x प्लस माइनस 2x प्लस 3x-3 और बराबर के बाद कितना है भैया? 2/3। अब दोनों साइड का यहाँ पावर में अगर कुछ नहीं है तो क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। यदि पावर में कोई संख्या ना हो, इन केस, इस स्थिति में पावर में 1 लिया जाता है। अब दोनों तरफ का आधार समान है भैया तो घातांक भी समान होगा। यदि LHS RHS का आधार समान हो तो घातांक भी समान होंगे, तो घातांक है इसीलिए का चिन्ह देंगे माइनस 2x प्लस 3x-3 बराबर 1।
अब तीन गो एक्स में से दो गो एक्स घट जाएगा तो एगो एक्स बच जाएगा और माइनस का तीन बराबर एक। इस तरह से एक्स बराबर एक और माइनस तीन का प्लस तीन हो जाएगा तो तीन जोड़ एक बराबर चार। इस तरह से आपका एक्स का वैल्यू निकल गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर हमारे चैनल पर आप अभी तक नए हैं तो इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल पर आप बने रहें। और यदि आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देते हैं तो हमारे द्वारा डाला गया वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचेगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। अच्छा से पढ़िए।